हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और स्वागत है आप सभी का गंगोत्री धाम से। ये है चार धाम यात्रा का दूसरा धाम गंगोत्री धाम। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैं यमुनोत्री से निकला था और मैं शाम होने तक पहुंच गया था यहाँ पे गंगोत्री धाम में। और अभी मैं हूँ गंगोत्री धाम में और शाम हो चुकी है। अभी कुछ ही देर बाद शाम की आरती होने वाली है और आपको दिखाऊंगा शाम की आरती आज गंगा माँ की। और यहाँ पे देखो यार कितने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं भोले बाबा के, पूरी फैमिली बना रखी है उनकी। सो आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा था। और रात को ना मतलब मंदिर काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि लाइटिंग की यहाँ पे ना पूरी अच्छे से व्यवस्था कर रखी थी, एकदम खूबसूरत। क्योंकि यहाँ पे रोड भी है और कनेक्टिविटी भी अच्छी है, सो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पैदल भी नहीं चलना होता है। तो मंदिर परिसर में ही बना है पंजाब नेशनल बैंक का ATM, ये देख सकते हो आप। यहाँ से भी आप विड्रॉल कर सकते हो कैश। और यहाँ पे है एक अखंड धुनी पुरानी और इसके भी आप दर्शन कर सकते हो। मंदिर यार इतना खूबसूरत लग रहा था ना शाम को, और अभी सब लोग आने लगे हैं धीरे धीरे। और अभी कुछ ही देर बाद होगी आरती स्टार्ट और आपको भी आज कराएंगे गंगा माँ के दर्शन। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी आरती होने में कुछ टाइम बाकी था, सो मैंने सोचा कि इधर थोड़ा मंदिर के पीछे साइड थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है। बट अभी थोड़ा अंधेरा भी हो गया तो अच्छे से नहीं दिखेगा। मैं कल आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। दिन के टाइम पे मैं मॉर्निंग में जाऊंगा ना कल सुबह, तो आपको वो भी अच्छे से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे है मतलब स्नान करने के लिए पूरा बनाया गया है यहाँ पे, और हमारे साथ है भागीरथी रिवर जो आती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और यहाँ पे मतलब सब लोग स्नान वगैरह करते हैं, यहाँ पे अलग स्नान घाट वगैरह बने हुए हैं। तो यही रिवर जो है आगे देवप्रयाग में फिर गंगा हो जाती है जब ये अलकनंदा से मिलती है। ये है भागीरथी रिवर, ये देखो जो इसका मतलब गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है। उसका ट्रैक यहीं से जाता है, मतलब 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। सो नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, बट अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फिर केदारनाथ भी जाना है यहाँ से। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे अलग अलग घाट वगैरह बने हुए हैं, तो काफी अच्छा बनाया हुआ है, क्लीन क्लीन भी है, मतलब अच्छा साफ सुथरा है घाट। और यहाँ पे रात का टाइम है तो उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। शाम के टाइम पे मैं पहुंच गया हूँ गंगोत्री धाम पे। अभी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास होगी आरती, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये है भागीरथी रिवर। और मैंने मतलब थक गया था मैं, और यहाँ पे रूम मतलब आपको तो डोम वगैरह मिल जाएंगे, बट मैंने नहाया नहीं था और थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, एक दो दिन से नहाया नहीं था। सो मैंने यार रूम ले लिया है, अभी आपको रूम भी दिखाऊंगा। सो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे गंगा घाट पे। ये इसी का नाम गंगा है भागीरथी रिवर, जब देवप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से तो फिर इसका नाम हो जाता है गंगा। तो यही है गंगा रिवर। तो जो भागीरथी रिवर है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं उसका गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहाँ से 25 किलोमीटर का ट्रैक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा तो उसको भी करेंगे। और अभी मैं हूँ यहाँ गंगोत्री धाम पे ही, वहाँ पे मंदिर अभी दिखाता हूँ आपको मंदिर भी। सो बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा, अभी तो रात हो गई है। सो मैं रात मतलब मॉर्निंग में निकला था मैं, तो आते आते फिर रात हो ही जाती है। सो अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा है इधर का।
आपसे निवेदन होगा कि आप सभी लोग बैठकर आरती का आनंद लें। आरती के पश्चात पुण्य चंद्रा भगवती की राजभोग अर्पित होगा, तत्पश्चात ही मुख्य मंदिर के दर्शन सुलभ होंगे। सभी यात्रियों से निवेदन होगा कुछ ही चुनाव में पुण्य चंद्रा भगवती की सायंकालीन आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी तीर्थयात्री महानुभाव बैठकर आरती का आनंद लें, आरती का दर्शन करें। आरती के पश्चात पुण्य चंद्रा भगवती की को राजभोग अर्पित होगा, तत्पश्चात ही दर्शन सुलभ होंगे। हर हर गंगे, जय मां गंगे, बोले गंगा मैया की। यहाँ पे अपने ना फोन है मेरा, आ गया मैं। आरती जगला ठीक 7 बजे माँ भगवती गंगे की सायंकालीन आरती प्रारंभ होगी। गंगोत्री धाम में आवेला श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। ठीक 7 बजे माँ भगवती गंगे की सायंकालीन आरती प्रारंभ होने जा रही है। तदुपरांत भगवती गंगे को राजभोग अर्पित होगा। जिस किसी श्रद्धालु को माँ भगवती गंगे का राजभोग प्राप्त करना हो वे मंदिर के मुख्य काउंटर ऑफिस के मुख्य काउंटर उधर होटल यह राजभोग प्राप्त करेंगे। यह राजभोग अखिल विश्व के श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बांटा जाता है। टाइम फिर हाँ नहीं मैं टाइम अपना स्थान ग्रहण कर ले। अच्छा मुखिया देवला सभी बाहर से आए हुए वाद्य यंत्रों से निवेदन रहेगा कि आप माँ गंगा के भोग के साथ अपने अपने वाद्य यंत्र माँ गंगा की आरती में बजा सकेंगे। Thank you.
जाएंगे। अभी गंगोत्री धाम में सारम की आरती हो चुकी है कंप्लीट और अभी सभी लोग आरती के बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। सो लाइन में सब लोग लगे हुए हैं, अभी मैं भी लगता हूँ लाइन में और माता रानी के करता हूँ दर्शन। सबसे पहले आरती होती है, उसके बाद दर्शन होते हैं, फिर प्रसादी भी मिलती है इधर। तो देखो यार, शाम का टाइम है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन यमुनोत्री में कम भीड़ थी, अभी गंगोत्री में उससे थोड़ी ज़्यादा है, बट उतनी नहीं है जितनी मतलब स्टार्टिंग में होती है जब गंगोत्री माँ के दर कपाट खुलते हैं। अभी कुछ टाइम बाद 15-20 दिन के बाद शीतकाल के लिए माता रानी के कपाट बंद हो जाएंगे और माता रानी की पूजा होगी मुखबा गांव है ना एक वहाँ पे, तो शीतकाल में माता रानी की पूजा वहाँ पे होती है। सो सारे लोग लाइन पे लगे हुए थे और यहाँ के कुछ लोकल देवी देवता मतलब जो इधर आसपास के हैं डोली उनकी आई थी, जो यहाँ आसपास के देवी देवता है ना उनकी डोली भी आ रखी थी यहाँ पे। ये देख सकते हैं हम, यहाँ गांव के लोग आ रखे हैं अपने आराध्य को लेके और शायद यहाँ पे उनकी पूजा वगैरह होती है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, बट मुझे पता है कि ये लोग आए हैं डोली लेके। देखो यहाँ पे सारे लोग जो है वो मतलब जो इधर का लोकल वो है ना वाद्य यंत्र ढोल दमो वो सब लेके आए हुए हैं यहाँ, और माता रानी की डोली भी आई हुई है जो यहाँ की आराध्य देवी है इन लोगों की। सो इसके बाद सब लोग दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा देर यहाँ पे बहुत सारे लोग वेटिंग पे लगे होते हैं और देखो यार काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने करी इस धुनी की मतलब यहाँ ये जो धुनी है ना, तो यहाँ पे भी आपको दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ फिर शाम का टाइम हो जाता है वापस जाने का और महादेव का आशीर्वाद लेके फिर मैं अभी होटल को लौटूंगा जहाँ पे मैंने रूम लिया है। Thank you.
अभी शाम की आरती हो चुकी है और अभी मैं अब लौट चुका हूँ अपने होटल। यहाँ पे ये है रेस्टोरेंट, ये होटल का ही रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं रुका हूँ। ऊपर है रूम और अभी टाइम भी हो गया भूख लगने का। अभी फटाफट से खाना खाते हैं और सिंपल सा दाल चावल और रोटी वही पे सिंपल सा खाना खाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कल मॉर्निंग में मंदिर अच्छे से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही।